अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब अपने अपने घर में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आप सबको हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज इंडिया और पाकिस्तान में ईद है और कल यहाँ पर ईद थी, तो ये कल वाला ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। कल हम शाम के टाइम पर निकले थे मॉल जाने के लिए। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा घर में बोरियत हो रही थी, तो हमने सोचा कि इनको घुमा फिरा कर लेकर आते हैं। तो ये है नखील मॉल, बहुत खूबसूरत मॉल है। नीचे सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं और ऊपर के साइड सिनेमा है। यहाँ पर आप मूवी वगैरह देख सकते हो और खाना वगैरह खा सकते हो। बहुत खूबसूरत मॉल है ये वाला। यहाँ पर जितने भी रहने वाले हैं तकरीबन इसी तरीके से ईद गुजरती है। आपने दोपहर पर जो है ना वो खाना वगैरह खाते हैं और घर पर जो है ना रहते हैं, और फिर शाम के टाइम मॉल वगैरह जाते हैं। और जाने की भी एक ही जगह होती है कि आप मॉल जा सकते हैं। गार्डन वगैरह भी यहाँ पर जा सकते हैं, मगर इतनी गर्मी में ना वहाँ पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बैठ ही नहीं सकते हैं आप। मॉल का ये होता है कि काफ़ी ठंडा भी होता है और बच्चे भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर बहुत इन्होंने खूबसूरत ईद के लिए सजाया हुआ था, जो कि मैं आपको अभी नज़दीक से दिखाऊँगी। तो आपने देखा कि बहुत बड़ा मॉल है और बहुत खूबसूरत है। ईद के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने सजाया है और इस वजह से ना थोड़ी सी रौनक लगी हुई है, वरना सारी शॉप बंद है। ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह की दुकानें खुली है ताकि बच्चे ना यहाँ पर ख़रीदारी कर सके। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर बंद है। दो तीन शॉप ऐसी थी जो खुली। अभी क्या खाना खाना बताओ बच्चों को। ओके लेट्स गो बैक टू आपने देखा कि बच्चों को खाना था मैकडोनल्ड, तो हम यहाँ पर आ गए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है ना, यहाँ से आपको पेमेंट करना है और फिर यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको सेलेक्ट करनी है और आपके टेबल तक वो ऑर्डर आ जाता है। बहुत अच्छा सिस्टम था ये। और यहाँ पर हम बच्चों की पसंद के खाने जो है ना वो ऑर्डर कर रहे हैं। उनको अलग अलग बर्गर खाने हैं, तीनों ही जो है ना वो अलग ही चीज़ें पसंद करते हैं। और फिर हम ऑर्डर देकर ऊपर आ गए और खाना जो है ना वो थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा। ऊपर की साइड में आपको दिखा रही हूँ छोटे छोटे से कैबिन हैं, बाहर भी आप बैठ सकते हैं और अंदर भी। और यहाँ पर बच्चों का प्ले एरिया है तो बहुत खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा है। बच्चे भी खेल कूद करना थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। और ये थोड़ी देर में ना हमारा खाना भी आ गया है, बस अब खाना खाएंगे और घर चले जाएंगे। बस इसी तरीके से हमारी ईद गुजरती है हर साल। आपकी कैसी गुजरती है? और ये देखिए, खाने में बच्चों ने ना बर्गर मंगाया था और हम लोगों ने भी बर्गर ले लिया था। बस फिर खाना खाएंगे, घर चले जाएंगे। दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला इसी तरीके से आप सबको खुश रखे। और ये देखिए, बच्चे बस खाना एंजॉय करेंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।